अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री में। दोस्तों, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखकर आप हैरान हो जाते होंगे कि इतनी ऊंची इमारतें कैसे बनाई गई होंगी। तो आज हम आपकी खिदमत में दुबई, जिसको बिल्डिंगों का शहर कहा जाता है, उसकी तरफ लेकर चलेंगे। तो आए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। दोस्तों, दुबई में वैसे तो बहुत बहुत बड़ी बिल्डिंगें मौजूद हैं, लेकिन आज हम जिस बिल्डिंग की बात करेंगे वो ना तो इतनी बड़ी है और ना ही अपने रकबे के लिहाज से इतनी ज़्यादा फैली हुई। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैपिटल गेट बिल्डिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कैपिटल गेट अबू धाबी में बनाना बहुत ही मुश्किल था। ये कैपिटल गेट बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था जो अबू धाबी के खलीफा बिन जैद अल नहयान के कहने पर बनाया जाना था। जी हाँ दोस्तों, इस बिल्डिंग को देखकर ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग सिर्फ चंद ही सेकंड में मलबे का ढेर बन जाएगी, क्योंकि इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा एक तरफ झुका हुआ है। दोस्तों, ये एक बहुत मुश्किल टास्क था। ये टास्क बुर्ज खलीफा बनाते हुए भी इंजीनियर्स को इतना मुश्किल नज़र नहीं आया जितना कि कैपिटल गेट की इमारत को बनाते हुए इंजीनियर्स परेशान हुए। और इंजीनियर्स इस बात को जानते थे कि ये बिल्डिंग अगर कैलकुलेशन के मुताबिक से थोड़ी सी भी अपनी कैलकुलेशन से हिली तो ये बिल्डिंग सिर्फ चंद सेकंड में आंखों के सामने ढेर हो सकती है। और फिर ये खबर इंजीनियर्स पर पहाड़ बनकर टूटी कि जब खलीफा की तरफ से पैगाम आया कि मुझे इस बिल्डिंग की छत पर एक हेलीपैड भी चाहिए, इंजीनियर्स अपना सर पकड़कर बैठ गए। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अभी तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी तो हेलीपैड की इस न्यूज़ ने इंजीनियर्स को परेशान क्यों कर दिया। तो दोस्तों, उसके पीछे रीज़न ये थी कि बिल्डिंग की तमाम कैलकुलेशन हो चुकी थी लेकिन हेलीपैड की ऑप्शन छत पर नहीं रखी गई थी, जिसकी वजह से बिल्डिंग जिस एंगल पर टिल्ट होनी थी उस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पे हेलीपैड बनाना नामुमकिन था। ये बिल्डिंग सिर्फ 1524 फीट ऊंची है, जो कि बुर्ज खलीफा के मुताबिक बहुत डाउन है, लेकिन इसका डिज़ाइन बनाते हुए इसके डिज़ाइन ने इंजीनियर्स को हिला कर रख दिया। लेकिन सबसे पहले इस बिल्डिंग को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये सवाल उठता है। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि दुबई अपनी बिल्डिंग के लिहाज से बहुत बड़ा शहर माना जाता है और पूरी दुनिया के टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी तरह खलीफा जैद अल नहयान ने 2007 में फैसला किया कि ये एक ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जो पूरी दुनिया की सबसे यूनिक इमारत कंसीडर की जाए। और जी हाँ दोस्तों, कैपिटल गेट को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी काउंट किया गया है, इसका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में भी है। 2007 में शेख इब्ने जैद अल नहयान ने अपने कज़न शेख सुल्तान बिन अल नहयान को अपॉइंट किया। ये टास्क मिलते ही सुल्तान ने लंदन की टॉप आर्किटेक्चर कंपनी RMGM को अपॉइंट कर लिया और इस बिल्डिंग का सबसे पहला टास्क यही था कि इसका डिज़ाइन बनाया जाए, जिसमें बिल्डिंग को ठीक 18 डिग्री एंगल पर टिल्ट करना था। और ये ही सबसे मुश्किल काम था जिसने तमाम इंजीनियर्स को आर्किटेक्चर्स को हिला कर रख दिया था। और इसी टिल्ट पे लाखों टन वज़न आना था। नील वैन ने दिन रात की मेहनत से सुल्तान को एक डिज़ाइन बना कर दिया जो कि एक समुंदरी लहरों से मुशाबत रखता था। सुल्तान को ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया। बिल्डिंग को चारों तरफ देखने से चारों साइडों से बिल्डिंग का डिफरेंट व्यू नज़र आता था और ये डिज़ाइन सुल्तान को बहुत पसंद आया। और सुल्तान ने ये डिज़ाइन खलीफा को बताया, इसके बारे में समझाया, तो खलीफा भी इस डिज़ाइन को रोके बिना उन्होंने काम शुरू करने के लिए कह दिया। लेकिन सबसे पहले इस बिल्डिंग के लिए खुदाई थी कि इस बिल्डिंग की खुदाई कितनी की जाए। दोस्तों, टोनी आर्चिडल बोर्ड ने, जिसने सबसे बड़ा टास्क इस बिल्डिंग को बनाने में अदा किया, इसने इस बिल्डिंग के फाउंडेशन, जिसे हम आम जुबान में कॉन्क्रीट कह सकते हैं, इसने एक ऐसी कॉन्क्रीट बनाई जो कि बहुत ज़्यादा हैवी थी, जो इस बिल्डिंग के वज़न को बर्दाश्त कर सकती थी। दोस्तों, इस बिल्डिंग की बेस बनाते वक्त खुदाई करने के दौरान जो सिर्फ मिट्टी निकाली गई वो 9006 टन सिर्फ मिट्टी निकाली गई। और टोनी ने फाउंडेशन बनाने के दौरान फैसला किया कि इस खुदाई वाली जगह पे ये 400 पाइप फिक्स करेगा जो कंक्रीट के बने होंगे और इन पाइप्स के ऊपर, इन 400 पाइप्स के ऊपर इस बिल्डिंग का आधा वज़न आएगा। और फिर हुआ भी यूँ
जो मिट्टी निकाली गई थी उसकी जगह 9,006 टन कंक्रीट फाउंडेशन फिल की गई और इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन साथ साथ शुरू हो गई। लेकिन इंजीनियर्स पर एक खबर बॉम्ब की तरह गिरी जब खलीफा ने सिर्फ 2 साल का यानी 24 माह का वक्त दिया कि मुझे 24 माह के अंदर इस बिल्डिंग का इफ्तिताह करना है। इंजीनियर्स परेशान हो गए और इन्होंने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। लेकिन इस बिल्डिंग को बनाने के दौरान एक ऐसी बात है जो आप सब नहीं जानते होंगे, इस बिल्डिंग का जो बाहर वाला कोर का हिस्सा है वो सिर्फ 2,15,00,000 टन स्टील से बनाया गया है। और दोस्तों एक हैरानकुन बात ये है कि कैपिटल गेट बिल्डिंग का सीमेंट का जितना भी काम था फाउंडेशन का, ये रात के वक्त किया गया। इसके पीछे रीज़न ये थी कि दुबई में दिन के वक्त 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी पड़ती थी और जब ये सीमेंट डालते थे तो ये सीमेंट उसी वक्त खुश हो जाता था। इसकी तैयारी में इन्होंने ठंडा पानी यूज़ किया और रात के वक्त सीमेंट और कोर्स का सारा काम किया। अब बात करते हैं कि हेलीपैड बनाने में मुश्किल क्यों पेश आई। जी हाँ दोस्तों, जब इंजीनियर्स के ऊपर ये खबर पहाड़ बनकर टूटी कि खलीफा अब कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग की छत पर मुझे हेलीपैड भी चाहिए, क्योंकि इस बिल्डिंग के डिज़ाइन में हेलीपैड शामिल नहीं था, और जब इनको इस न्यूज़ का पता लगा तो इंजीनियर्स परेशान हो गए। लेकिन इन्होंने इसका हल भी निकाल लिया था। इन्होंने एक लंदन की, जैसा कि पहले आपको बताया, कंपनी के एक डिज़ाइनर ने, आर्किटेक्चर डिज़ाइनर ने इस बिल्डिंग के ऊपर हेलीपैड बनाने की तजवीज़ तो दे दी, डिज़ाइन दे दिया, लेकिन उसका कहना था कि हेलीपैड अगर इस टिल्ट बिल्डिंग की बिल्कुल अपर फ्लोर पर बनाया जाएगा तो इसे हेलीकॉप्टर को लैंड करते हुए हवा से ख़तरा हो सकता है और हेलीकॉप्टर क्रैश कर सकता है। लेकिन इंजीनियर्स ने इसका हल भी निकाल लिया और इसको एक स्पेशल डिफ्लेक्शन एंगल पर मोड़ कर इस कैपिटल गेट बिल्डिंग का हेलीपैड भी तश्कील दे दिया। तो दोस्तों बिल्डिंग आपके सामने बन गई। आप सिर्फ अभी वीडियो सुन रहे हैं तो आप एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस बिल्डिंग को खुद अपनी आंखों से जाकर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।